मशीनिंग टर्निंग टाइम कैलकुलेट। आज हम लोग ये जानेंगे कि एक जॉब को टर्निंग करने में कितना टाइम टेकन लगता है। चलिए हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं कन्हैया विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल चेम कन्हैया टेक्निक एंड टेक्निकल। दोस्तों एक गगन अजैना नाम के व्यक्ति है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि टर्निंग करने में कितना समय लगता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग के सामने में मैंने एक जॉब बनाया है। देखिए ये लेथ का चक मान लीजिए और ये टेलीस्कोप का सेंटर, ठीक है। इसके बीच में एक जॉब मैंने लगाया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 1350 mm, ठीक है। यहाँ पर आपको टूल साफ साफ दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टूल को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ टर्निंग के लिए और यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा, उसी को हम लोग टाइम टेकन बोलते हैं टर्निंग का। यानी कि ये कटिंग करते हुए अगर यहाँ तक आता है तो इसको कितना समय लगेगा, इसकी RPM फीड अगर हम लोग डिसाइड करें तो। तो चलिए ये फॉर्मूला एक है और एक फॉर्मूला दो है, हम लोग दोनों फॉर्मूला से समझेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वन, मशीनिंग टर्निंग टाइम, लेंथ ऑफ द जॉब, नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इनटू RPM। दोस्तों नंबर ऑफ कट ये ऑप्शनल है, ये जरूरी है या नहीं जरूरी है ये आपको आगे पता चल जाएगा। सामने में एक चींटी आ गया, ये कौन सा खुशी में आया पता नहीं, हटा दिया, ठीक है। अब क्या है, चलिए यहाँ पर एक देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द जॉब 1350 इंटू, अब यहाँ पर आप सोचते होंगे 5 क्यों लिखा गया। मैं मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई जॉब है और अगर आप जानते हैं या फिर आप समझ पा रहे कि उसको 5 कट में फिनिश करना है, ठीक है। तो अब ये मान लो ये 5 को मैं फिलहाल कुछ देर के लिए हटा देता हूँ, अभी आप इसको मत देखो, ठीक है। लेंथ ऑफ द जॉब 1350 डिवाइडेड बाई फीड, अगर आपका फीड जितना का भी हो आप देख लेना कितना का है, मैं एक एग्जाम्पल ले आऊँ, ठीक है। फीड अगर 0.2 का है और RPM अगर आपका 200 का है तो क्या होगा, ये टोटल का जो अगर आप इंटू करेंगे, अगर ये 5 हटा के, 5 को ऐड नहीं करना है, ठीक है, 5 को इंटू नहीं करना है, बिना 5 को इंटू किए मतलब बिना नंबर ऑफ कट को इंटू किए आपका निकलेगा 33.75 मिनट। यानी कि ये टूल को यहाँ तक आने में सिर्फ एक कट, ओनली वन कट आपका 33.75 लगेगा, अगर आपका 0.2 फीड और 200 का RPM रहता है तो, ठीक है। अगर मान लो इसको आपको 5 कट में फिनिश करना है या 10 कट में फिनिश करना है कि 3 कट में फिनिश करना है, जितने कट में आपको इसको फिनिश करना है उतना कट आप इसमें इंटू कर दोगे। तो यहाँ पर मेरा एक कट का कितना निकला, 33.75। अगर मैं इसमें 5 इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 168.75 मिनट, ठीक है। अगर मैं इसको आवर में करूं तो आवर में करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें ओनली 60 आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.181 आवर्स। अब देखिए फॉर्मूला टू में यूज करता हूँ, ये बहुत आसान फॉर्मूला है समझने के ऊपर, मैं ज्यादातर इसी को यूज करता हूँ। सेकेंड टू जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ द जॉब डिवाइडेड बाई कटिंग लेंथ पर मिनट। यानी कि लेंथ ऑफ द जॉब आपका है 1350, अब बस आपको इतना निकाल लेना है कैलकुलेट करके कि एक मिनट में सेम फीड सेम RPM में आपका एक मिनट में कितना दूर आपका टूल जा रहा है। कहने का मतलब ये जो आपका टूल है ये एक मिनट के अंदर में कितना दूर तक आ रहा है, आप स्टॉप वॉच से देखो या फिर आप अपना मोबाइल से देखो, टाइम देखो, जो भी, एक मिनट के अंदर में। तो अगर मान लो एक मिनट के अंदर में ये 40 mm दूरी तय कर रहा है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसको, ठीक है, 40 mm दूरी तय कर रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द जॉब कटिंग लेंथ पर मिनट। तो लेंथ ऑफ द जॉब कितना है 1350 डिवाइडेड बाई एक मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 40 mm का ये दूरी तय कर रहा है। तो ये टोटल कितना निकलेगा, 33.75, देख सकते हैं 33.75 मिनट, ठीक है। अगर इसको आपको सेम वही 5 कट में फिनिश करना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 5 कट में फिनिश करो, जितना कट आप लगा सकते हो, मैं एग्जांपल दिया हूँ, अगर आपको इसको 5 कट में फिनिश करना हो तो आपका कितना हो जाएगा, 33.75 × 5 = 168.75 मिनट। और
अगर आपको इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 2 into 81 hours. आई थिंक आप लोग ये पूरा समझ चुके होंगे कि किस तरीका से टाइम टेकन या मशीनिंग टर्निंग टाइम निकाला जाता है. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें. वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. जो भी न्यू मेंबर्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, आपको जो पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू दोस्तों, बाय बाय.